फ्रेंड्स, मैं शिवम। मैं आज आपको कराऊंगा चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको वोवल चार्ट समझाऊंगा जो हम थर्ड तीनों प्लेस के वोवल कर चुके हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। आपको वोवल चार्ट समझना जरूरी है क्योंकि पूरी शॉर्ट हैंड इन इस वोवल पे टिकी हुई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वोवल, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं वोवल का चार्ट। आपको वोवल के अंदर ये ध्यान रखना है, सेकंड प्लेस का वोवल ऑन द लाइन बनेगा, फर्स्ट प्लेस का वोवल, फर्स्ट प्लेस का वोवल कॉन्सोनेंट अबव द लाइन बनेंगे और थर्ड प्लेस के कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन बनेंगे, मतलब लाइन से कट के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्लेस का वोवल। सेकंड प्लेस के वोवल में हमारा ए का वोवल है जो लंबी साउंड रहता है, ए की डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है और सेकंड प्लेस पे होता है रिप्रेजेंट, डार्क डॉट से ए लंबी साउंड होता है। ए एग्जाम्पल आता है पे, पी, पी के बाद ए के साउंड आ रही है सेकंड प्लेस में ए। में हमारा कर्व कॉन्सोनेंट है, एम, एम का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये, तो एम के बीच में ए का वोवल। दूसरा हमारा वोवल आता है ई का जो हल्की ए की साउंड देता है, हल्की ए की साउंड देता है, ये भी सेकंड प्लेस पे लगता है। इसमें हमारा टेड, हल्का ए टेड, टी और डी सेकंड प्लेस के हल्का वोवल। एज, जे, जे से पहले ए की साउंड, एज। तीसरा होता है वोवल डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है, ये सेकंड प्लेस ओ की साउंड देता है, ये सेकंड प्लेस पे बनता है। जैसे एग्जांपल आता है वोट, लंबी साउंड दे रहा है वो, ओ की लंबी साउंड दे रहा है, बी और टी सेकंड प्लेस पे ओ का वोवल। और शो, एस एच कॉन्सोनेंट, एस एच का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एस एच में ओ का वोवल, शो। और तीसरा आता है अ, जे अ की साउंड देता है, अ ये असनार वाली साउंड देता है ये, तो इसका एग्जाम्पल आता है अप, पी कॉन्सोनेंट, पी से पहले अ की साउंड, हल्की हल्का थोड़ा सा मुंह खुलेगा तो हल्का सा लाइट कॉन्सोनेंट। टच, टी और सी एच, टच सेकंड प्लेस के अ का वोवल, सेकंड प्लेस का वोवल हो गया। फर्स्ट प्लेस का वोवल आता है और ये कॉन्सोनेंट अबव द लाइन बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पहला वोवल आता है इसके अंदर अ का जो ये एच की साउंड देता है, ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है, वो ये फर्स्ट प्लेस पे ये अ की साउंड देता है। से पा, हल्का अ की साउंड देता है, पी और पी के बाद डार्क, फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एच के साउंड। पाम से एल आ रहा है इसके अंदर, तो वो शॉर्ट हैंड जो साउंड बेस पे है तो एल तो लगेगा नहीं इसमें। पाम, पी और एम, पी के बाद ए, पाम। तीसरा ओवल, दूसरा ओवल आता है ए का जो हल्की ये ए के साउंड देता है, ये फर्स्ट प्लेस का ओवल है, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है। तो एट, जैसे एकदम से आवाज आती है एट, टी से पहले ए का लाइट ओवल। पाथ, पी और टी एच, पी के बाद हल्का ए का ओवल। तीसरा ओवल आता है ए डब्ल्यू का ओवल, ये डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है, ये फर्स्ट प्लेस का ओवल है, ये ओ की साउंड देता है, लंबी साउंड देता है ओ की, जैसे बॉल, बी और एल, डार्क ओवल फर्स्ट प्लेस का ओवल। टॉक, टॉक, टी और के, टॉक फर्स्ट प्लेस का ओवल, टॉक। जहाँ से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस, जहाँ एंड खत्म होता है वो थर्ड प्लेस, और जहाँ बीच का होता है वो सेकंड प्लेस होता है कॉन्सोनेंट का। और चौथा वाला आता है फर्स्ट प्लेस का, ये ओ, हल्के ओ की साउंड देता है, ये फर्स्ट प्लेस का है, हल्के ओ की एकदम से आवाज़ देता है, मतलब थोड़ी आवाज़ आती है ओ की, जैसे टॉप, टी आ गया, फिर ओ, फिर ओ एकदम से आ गया, फिर पी आ गया, टॉप, टी और पी फर्स्ट प्लेस का ओ का वर्ड, टॉप। डॉग, डी और जी फर्स्ट प्लेस का ओ कवर, लाइट, डॉग। फिर तीसरा ओवल आता है हमारा, तीसरा ओवल थर्ड प्लेस का ओवल आते हैं, ये थ्रू द लाइन, लाइन से कट के बनते हैं। इसके अंदर पहला ओवल आता है ई का ओवल जो एक डार्क रिप्रेजेंट होता है थर्ड प्लेस पे, फिर लंबी ई की साउंड देता है, जैसे ईट, पहले ई लंबी साउंड आ गई फिर टी आ गया, ई टी से पहले ईट, फिर शी, एस एच और शी के बाद लंबी साउंड ई की, शी। फिर आई, दूसरा वोवल आता है आई का, ये हल्की साउंड आई की देता है, ये लाइट नोट से रिप्रेजेंट होता है, ये थर्ड प्लेस का वोवल है। जैसे इफ एग्जांपल है एफ, एफ से पहले हल्की आई की साउंड, इफ, बिग, बी डार्क कॉन्सोनेंट और जी बी डार्क कॉन्सोनेंट, बी के बाद जी से पहले आई की साउंड आ रही है तो बिग यहाँ हल्का आई का वोवल। और तीसरा वोवल आता है ऊ का, ये डार्क डैश से रिप्रेजेंट होता है, लंबे ऊ की साउंड देता है,
बड़े ओ के साउंड देता है ऊ, जैसे फूड, एफ के बाद लंबी साउंड ऊ की आ रही है और डी कॉन्सोनेंट आ रहा है, एफ और डी, एफ के बाद डी से पहले लंबी साउंड फूड, टूल, टी और एल, टी के बाद एल से पहले टूल लंबी साउंड। अब चौथा बोला आया था थर्ड प्लेस का, ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट होता है, ये हल्की साउंड देता है, जैसे एल आ गया फिर थोड़ी साउंड आई ऊ की, हल्की साउंड आई और फिर के आया, जैसे लुक हमारा एग्जांपल है एल और के, एल के बाद के से पहले ऊ की साउंड हल्का लुक, बुक बी और के बुक, बी के बाद के से पहले बुक। चलो हम वोवल चार्ट हमारा हो चुका है, आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये फर्स्ट सेकंड प्लेस के ऑन द लाइन, फर्स्ट प्लेस के अबव द लाइन और थर्ड प्लेस के थ्रू द लाइन, क्योंकि आगे जाके वोवल हट जाएंगे, आपको वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके, वोवल से पता लगाना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट प्लेस से बनेगा, सेकंड प्लेस से बनेगा कॉन्सोनेंट या थर्ड प्लेस से बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, चैप्टर फिफ्थ की एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज की वैसी प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, ये एक्सरसाइज इनके लिए है जिनके पास मैगजीन नहीं है, उनके लिए मैं सेंटेंस लेके आऊँ ये। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपको सबसे लिखनी है वी, ये तीनों प्लेस के वॉवल के से रिलेटेड एक्सरसाइज है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस से रिलेटेड है। वी, अब शेल है तो शेल अब जो ज्वाइन हो सकता है सो ज्वाइन कर देते हैं शेल, और बी भी ज्वाइन होगा तो बी शेल, वी शेल बी, लीविंग एल और वी और आई एन जी, लीविंग थर्ड प्लेस का वोवल, लीविंग अब द ज्वाइन हो सकता था दिक से ज्वाइन, शिप एस एच और पी, शिप एस एच के बाद और पी से पहले आएगा वोवल शिप, टुडे टुडे, ऐसे आपको नीचे लिखना है और इनको लिखने के बाद आपको इसको थ्योरीली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल, जैसे आप कॉन्सोनेंट्स याद भी हो जाए और आप किसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस आता है वी शेल बी चेकिंग, चे चेकिंग, चे के बाद चे में सेकंड प्लेस का ओवल ई का, अप का ओवल अप, ऑन द मेल एम और एल सेकंड प्लेस का ए का ओवल मेल, डेली डी और एल डी में ए का ओवल डेली फुल स्टॉप, प्रैक्टिस करने इसकी ऐसी। नेक्स्ट सेंटेंस द नेम एन में एक ओवल नेम, हॉट टू बी पुट इन द बुक ओ का ओवल लाइट, आपको इन्हें बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। द नेम हॉट टू बी पुट इन द बुक, नेक्स्ट सेंटेंस लीव इट फॉर मे टू टेक एक ओवल अवे, अवे आ रहा है इसके अंदर वी कॉन्सोनेंट है और ए की फर्स्ट प्लेस की ओवल के साथ आ रही है तो अवे मेरा अबव द लाइन बनेगा, एक ओवल फिर एक ओवल अवे फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस आता है वी सो मे एट द शॉप एस एच और पी एस एच में एक फर्स्ट प्लेस का ओवर शॉप ओ का ओवर शॉप टुडे फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस आता है वी गॉट द बिल ऑफ ऑफ लेडी ए का ओवर लेडी फुल स्टॉप। आपको इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी बनती जाएगी और उतने ही आपके स्ट्रोक सुंदर बनते जाएंगे और आपको याद हो जाएगा आसानी से।